Sachidananda Dada Purari, Ajam Nirguna Nirvikar.
एक साथ बोलिए परम पूज्य सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। अपने अपने माता पिता की जय हो। आगंतुक महानुभाव पिता तुल्य बुजुर्ग गण सत्संग पंडाल में पधारी हुई समस्त आदिशक्ति स्वरूपा माताएं एवं बहने, पिता तुल्य बुजुर्ग गण, वयोवृद्ध मित्रगण, वाद्य वृंद, उपस्थित सहयोगी एवं सूक्ष्म रूप से विराजित समस्त दैविक आध्यात्मिक आदि दैविक शक्तियों को मेरा बार बार वंदन है। सर्वप्रथम अपने सिर पे गुरुदेव के वरद हस्त को आभासित करते हुए नेत्रों में मां ज्वाला की ज्योति समाहित करते हुए हृदय में हमारे इष्ट आराध्य हनुमान जी महाराज सिद्ध गणेश भगवान बिहारी की छवि को अंकित करते हुए मां शारदा ने मेरी जिह्वा पे जो भी शब्द दिए वो आप तक पहुंचाने की चेष्टा करूंगा। आशा करता हूं कि इस शब्द से आपके जीवन में दशा और दिशा दोनों बदल जाएंगी, सुखद जीवन का अनुभव करेंगे, ब्रह्मानंद की प्राप्ति करेंगे, राग द्वेष खो देंगे, मान सम्मान से ऊपर उठ करके नर में नारायण देखेंगे, यही मेरा भाव होगा। मैं कोई वक्ता नहीं हूं बालक नादान, श्रोता वक्ता ज्ञान घन दियो क्षमा का दान। वक्ता तो बिहारी जी है, वक्ता तो श्री हरि है, देखे ना ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन सहज सदा सुखदासी, वही श्री हरि यहां बैठ के बोल रहा है और वही वहां बैठ के सुन रहा है, यानी वक्ता भी वही है और श्रोता है। ये तो हमारी व्यवहारिक औपचारिकताएं हैं। श्रीमद् भागवत कथा के दो दिन इसकी रेंज बढ़ा हुई है थोड़ा, अच्छे अच्छे लोगों की समझ में कथा नहीं आती है, क्योंकि श्रीमद् भागवत में भगवान ने बड़े ही सरल तरीके से अपने भक्तों को आकर्षित किया है और जिसको जो चाहिए उसको उस मार्ग से समझा करके बताया है। और बात आए त्याग की या परित्याग की, तो कुछ प्रसंगों को मैं आपको दर्शाऊंगा, आप उन्हें सुनिएगा। काफी लोग प्रश्न करते हैं, भगवान कृष्ण ने अपने सिर पे मोर का पंख क्यों विराजित किया, अच्छा लगता है। हम जिसे भजते हैं हमें उसके बारे में ज्ञान होना ही नहीं चाहिए। ये परित्याग और त्याग की बात है, भगवान के भक्त के प्रति वात्सल्य की बात है, मातृत्व की बात है। सुंदर प्रश्न है और अच्छे अच्छे प्रवक्ता इसको साइड कर जाते हैं, क्योंकि उनको घड़ी का टाइम और दूसरी चीज देखनी होती है। श्रीमद् भागवत कथा में भगवान ने मोर का पंख मस्तक पे क्यों रखा, कृष्ण का अवतार त्रेता से और द्वापर में राम और श्याम से जुड़ा हुआ है, ऐसा ही कुछ इतिहास है। मैं बताता हूं,
ज्ञानी जन संदेह ना करें, प्रमाणित है, इसलिए इसमें सर्वसम्मति चाहूंगा। भगवान राम का वनवास हुआ। वनवास होने के बाद जानकी लक्ष्मण समेत राम सरयू के दूसरे तट पर गए। भ्रमण करते करते, पद यात्रा करते करते आदिशक्ति जानकी को प्यास लग गई। सरोवर बहुत दूर था, जल से तृप्ति कैसे कराई जाए? राम और लक्ष्मण सरोवर की तलाश कर रहे थे। उसी समय जानकी के सामने एक मोर आया। देखिए, एक मोर का वात्सल्य देखिए, हमारे आप में भी होना चाहिए ना। मोर कहता है, मेरी जगत की जननी आदिशक्ति प्यासी है और मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं। कभी आप में ऐसी तड़प लगी कि मेरी माँ भूखी है, मैं पहले उसे खिलाऊं बाद में खाऊं, पहले मैं उस जननी की सेवा करूं बाद में मैं खुआऊं? मोर ने कहा, ठीक है, मैं जानकी को, मेरी आदि शक्ति जगत जननी माँ को तृप्त तो नहीं कर सकता, लेकिन अगर मैं मेरी माँ के आगे नृत्य करने लगूं तो शायद माँ का प्यास की तरफ से ध्यान हट जाए और क्षण मात्र शांति मिल जाए। आज भी माँ बड़े क्रोध में हो, खाने के लिए जा रही हो, बच्चा हंसता हुआ उसके गले लग जाए तो माँ का ध्यान पूरा बात्सल्य में आ जाता। अब मोर ने आदि शक्ति जानकी के सामने नृत्य करना चालू कर दिया। मोर नृत्य कर रहा है, जानकी का प्यास की तरफ से ध्यान हट गया क्योंकि वो उस वात्सल्य का आनंद नहीं ले रही। अब मोर ने विचार किया, जब तक मैं नृत्य करूंगा माँ जानकी को प्यास नहीं लगेगी, लेकिन बाद में जैसे ही मैं नृत्य बंद कर दूंगा उसके बाद की तृप्ति कैसे करेगी। मोर ने नृत्य करना चालू किया, एक पंख गिराया, जानकी ने उठाया, हृदय से लगाया। मोर मन ही मन रोमांचित हो उठा, हर्षित हो गया, उल्लसित हो गया कि आज जगत जननी ने मुझे सीने से लगा लिया। यही भाव जगता है मेरे भाई बहन जब माँ अपने बच्चे को सीने से लगाती। दौड़ी दौर और नृत्य करते गया, मोर ने दूसरा पंख छोड़ा, जानकी ने फिर हृदय से लगाया। ऐसे धीरे 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 मोर नृत्य करता हुआ सरोवर के तट पे ले गया। मोर ने यहां नृत्य करना बंद कर दिया। जैसे ही मोर ने नृत्य करना बंद किया जानकी को प्यास लग गई। आदि शक्ति को प्यास लग गई और प्यास लगते ही महाराज जानकी ने मोर पंख को नीचे फेंक दिया और उस पे पैर रख कर सरोवर में जा करके जलपान कर लिया। नीचे पड़े हुए मोर कल्पना करता है, आज तो मैं बेसहारा हो गया, आज जगत जननी ने मुझे ठुकरा दिया, अब मुझे कौन संभालेगा? भाई बहन, अगर माँ की बद्दुआ लग जाए तो जीवन में खुश नहीं रह सकते। इस भाव में मोर रुदन करने लगा, रोने लगा। भगवान राम का आगमन हुआ। भगवान राम ने कहा, अरे आप क्यों रो रहे हो? कहे, महाराज आपकी अर्धांगनी जगत की माता, मेरी आराध्या,
आदि शक्ति ने आज मेरा अपमान किया, आज मेरे पंखों पर पैर रख करके चली गई, तो बताओ क्या मेरे जीवन में कभी भोग के योग का संयोग नहीं आएगा? क्या मैं ऐसे ही ठुकराया जाऊंगा? भगवान राम ने कहा, रे रुदन की आवश्यकता नहीं है, मेरी अर्धांगनी ने अपमान किया है मोर, तो सुन अगली बार जब मैं कृष्ण अवतार लूंगा तो जिस पंखों को मेरी पत्नी ने पैरों से कुचला है उन्हीं पंखों को मैं सदैव सिर पे लगा के रखूंगा, ये मेरा वात्सल्य तेरे लिए वरदान साबित है। और रही बात योग भोग और भाग्य के संयोग की, तो है मोर, तूने अपने आप को, अपने शरीर को, तन को और मन को, चंचल चितवन चित्त को, एहसास को, आभास को, धूर्ति को, मूर्ति को प्रभु चरणों में समर्पित कर दिया, इसलिए तुझे भोग की आवश्यकता नहीं, तेरे नेत्र की इसी आश्रु धाराओं को मोरनी पिएगी और वात्सल्य का आनंद मिल जाएगा, ये प्रभु की। प्रमाण मानस पीयूष 27 पेज 8वीं लाइन। मानस पीयूष से है ये, हम प्रवक्ता या वाद्य यंत्र हम निरंतर अभ्यास नहीं करते, यही हमारी मूर्खता है। हम प्रवक्ता पठन पाठन स्वाध्याय और चिंतन ये चारों को भूल जाते हैं, और जिस दिन स्वाध्याय पठन पाठन चिंतन खत्म हो जाता है उसी दिन ये समाज वंदन करना छोड़ देता है और मुख पे लगा हुआ चंदन भी सुशोभित नहीं रहता। प्रथम प्रमाण, भागवत कथा आप सुनते हैं तो उसे जीवन में रखना चाहिए ना। अब आपके संज्ञान में आ गया कि मोर पंख भगवान को क्यों प्रिय है, तो मोर कब तक जिया ऐसे? मोर तड़पता रहा और एक ही चीज गाता रहा, आशिकी हो गई। किसी ने पूछा आप आशिक बनोगे या महबूब, या ऐसे बनेंगे कि हजारों आशिक बन जाए? आरती के बाद भैया, आरती के बाद, आरती के बाद मित्र देव, आरती के बाद। मोर कैसे जीता रहा अपने प्रियतम के विरह में? एक छोटी सी कल्पना मेरे प्रियतम के लिए, कि तेरी याद, तेरी याद के सहारे, तेरी याद के सहारे जीता रहा हूँ मैं, तेरी याद के